हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जनता कर्फ्यू का लोग कितने अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उसका ही जायजा लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम की गैलेरिया मार्केट में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मशहूर मार्केट है। यहाँ पर आसपास कई सोसाइटी कॉम्प्लेक्सेज हैं जहाँ पर रहने वाले लोग अक्सर इसी मार्केट में आकर खरीदारी करते हैं, परिजनों के साथ आते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मार्केट जो है पूरे सन्नाटे में है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक अपील यहाँ पर लिखी हुई है कि वी हियर बाय एडवाइस यू ऑल टू सपोर्ट द जनता कर्फ्यू एज एडवाइस बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपने आप में ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जो अपील की थी देशवासियों से कि रविवार को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर से बाहर ना निकले, जनता कर्फ्यू का पालन करें, उसकी अपील यहां पर साफ तौर से पोस्टर पे जो है एक तरीके से चिपकाई गई है। और ये ऐसे तरीके का पोस्टर हर जगह आपको जो है लगा हुआ मिलेगा। हर ये जो अलग अलग यहाँ पर होर्डिंग्स हैं, उन होर्डिंग्स के ऊपर अपील जो है वो जगह जगह लगाई गई है, और उसका असर जो है वो आप अपने आप में इस पूरी मार्केट में देख रहे हैं। सन्नाटा जो है इस पूरी मार्केट में छाया हुआ है। हालांकि कुछ केमिस्ट की दुकानें हैं और अभी आप देखेंगे कि वो खुली हुई है। हालांकि जनता कर्फ्यू का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकान जो है वो चल रही है, फुल स्टॉक में है। घुसते ही आपको सबसे पहले जो है डिसइंफेक्टेंट दिखाई देगा, हैंड सैनिटाइजर्स दिखाई देंगे, डेटॉल, फेस मास्क और अलग अलग ब्रांड के जो है आपको यहाँ पर मास्क ही मास्क दिखाई देंगे, जो अपने आप में दर्शाते हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए जो केमिस्ट की अलग अलग दुकानें हैं वो कितनी ज्यादा एहतियात बरत रही हैं और अपना स्टॉक फुल रखने की पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो ओनर है उन्हीं से ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहन लाल। सर, तो आज जनता कर्फ्यू है लेकिन फिर भी आपने जो है अपनी दुकान केमिस्ट शॉप खोल रखी है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? जनता की सेवा के लिए हमने रात को 11 बजे तक भी सर्विस दी है और सुबह 9 बजे आ गया था, हमारा स्टाफ भी आ गया था। और ये अब जो रेट हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया है सैनिटाइजर का 200 रुपए बेचने के लिए, आज से हम 200 रुपए का बेच रहे हैं। कल से जो हमारी परचेज पहले महंगी थी लेकिन हमने 200 रुपए का रेट रखा हुआ है। और जो मास्क का रेट है 8 रुपए और 10 रुपए, ये रेट रखा हुआ जो हरियाणा सरकार है। सिर्फ हमारा काम ये हर जगह दवाई पहुंचे। तो क्या सर आज सुबह से लोग जो हैं कर्फ्यू के समय में आए आपसे दवाइयां लेने या अलग अलग? कम आ रहे, बिल्कुल ना बराबर आ रहे। और थोड़ा सा हमें पुलिस प्रशासन से ये चाहिए भी हमारे स्टाफ को रोके ना, एक लड़की हमारी फार्मेसिस्ट थी उसको आने नहीं दिया, फिर हमने बोला भी घर बैठो, थोड़ा सा उसने आईडी भी दिखाया और उसको केमिस्ट दुकान पे आने नहीं दिया, लेकिन जनता नहीं आई। सर, जो सुबह से केसेस आ रहे हैं यहाँ पर मेडिकल शॉप पे, क्या वो इमरजेंसी केसेस हैं? इमरजेंसी थी, एक डॉक्टर साहब आए थे, एल्प्रेक्स उनके दादाजी की नहीं थी, वो हमने दी उनको। हाँ, जो आते हैं हमने देनी है उनको। तो सर दुकान कब तक खुली रहेगी? रात को 10 बजे तक हमारी खोलेंगे। तो ये जनता कर्फ्यू में भी आपने खोल के रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी जनता की सेवा करनी है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। हम बिल्कुल, हम कोरोना भगाओ सबको ये नारा दे रहे हैं, कोरोना भगाओ बस। और थोड़ा सा 1 मीटर के हम 4 कस्टमर से ऊपर अंदर नहीं आने देते, क्यों लगा देते हैं बाहर, लेकिन 1 मीटर के डिस्टेंस में रहिए। मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि कोरोना वायरस के चलते आप अपनी तरफ से क्या एहतियात बरत रहे हैं? सारा स्टाफ मतलब ग्लव्स और ये अभी सारा मास्क लगा के रहते हैं, सैनिटाइज बाहर भी लगाया हुआ है और हैंड सैनिटाइज कस्टमर के लिए भी सब कुछ करके रखते हैं। और उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट वगैरह कैसे, साफ सफाई के मामले में? काउंटर भी, डोर भी, सब चीज सब करके रखते हैं हमारे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हम केमिस्ट शॉप पर मौजूद थे जहाँ के जो ओनर हैं उनका ये कहना है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और भी हम जो है पूरी मार्केट में चलकर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी स्टोर में लिखा हुआ है द स्टोर विल रिमेन क्लोज्ड ऑन सैटरडे, संडे एंड मंडे ड्यू टू प्रिकॉशनरी मेजर्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड स्टे सेफ। यहाँ पर जो है हर दुकान पर, कहीं ना कहीं हर दुकान पर ये मेंशन्ड है द स्टोर विल रिमेन क्लोज ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 अनटिल फर्दर नोटिस। ये दुकान जो है ये तब तक बंद हो गई है
जब तक कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से जो संक्रमण हो रहा है देश में, कहीं ना कहीं उस पर काबू जब तक नहीं पा लिया जाता, जब तक कि केसेस में घटोतरी नहीं हो जाती, तब तक वो फर्दर नोटिस तक जो ये दुकान है ये बंद रहेगी। और मैं एक और बार दोहराना चाहूंगी, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है जब जब व्यापारी जो है वो आगे बढ़कर देश हित में अपने व्यापार को पीछे रखकर देश हित के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसी बात के लिए जो कोरोना वायरस से संक्रमण के चलते देश विदेश में जो कहीं ना कहीं एक आतंक फैला हुआ है उस पर रोकथाम लगाने के लिए जनता कर्फ्यू जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम है। और इसका जो है कहीं ना कहीं देशवासी जो है बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। हम सुबह से ही गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में गए, आप तस्वीरों में दोनों तरफ देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं सबके शटर डाउन है, ना ही दुकानदार आपको दिखाई देगा और ना ही खरीददार आपको दिखाई देगा। सड़क पर गाड़ियां भी जो है इक्का दुक्का ही आपको नजर आएंगी, कोई मोटरसाइकिल आपको नजर आ जाएगी, लेकिन पूरी सड़क जो है वो खाली पड़ी है। जितने ऑटो रिक्शा हैं वो भी खाली पड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहक ही नहीं है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जनता कर्फ्यू का लोग अब बहुत अच्छे से जो है पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग सड़क पर हैं वो मास्क पहने हुए चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको दिमाग में रखते हुए, उसको अपने जहन में रखते हुए लोग जो है बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री ने जो सार्वजनिक अपील लोगों से करी थी उसका पालन करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। दुकानें ये अपने आप में बहुत ही जो है एक चौंका देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि रविवार का दिन है और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने व्यापार को पीछे रखते हुए जो देश की सेहत है और देश के लोगों को आगे रखते हुए जो है कहीं ना कहीं अपने दुकानों को बंद करने का फैसला किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण से जो देश विदेश हर जगह कहीं ना कहीं आतंक फैला हुआ है उसके चलते आज जनता कर्फ्यू की अपील करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सुबह से ही हम जो है इसका जायजा करने के लिए गुड़गांव के अलग अलग जगहों पर जाकर जो है मुआयना कर रहे हैं और हमने ये पाया कि लोग जो है जनता कर्फ्यू का बेहद ही अच्छे से पालन कर रहे हैं और घरों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज, गुड़गांव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।